नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 17 जून दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। आम महोत्सव सह प्रतियोगिता में जाने आम से जुड़ी बातें और जीते पुरस्कार। लंबे समय से एक ही जगह पर टिके व दागी अफसरों की बनेगी सूची। अपने निधन की झूठी खबर सुन शारदा सिन्हा हुई आहत। नक्सल गतिविधियों को लेकर एडीजी ने किया दावा। रांची पहुंचकर बदला एमएस धोनी का लुक। अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। डीडीए में 687 वैकेंसी के लिए भर्ती अधिसूचना जारी। दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा सहायक खाता अधिकारी, सहायक अनुभाग अधिकारी, कनिष्ठ अभियंता, कनिष्ठ सचिवालय सहायक आदि के पदों के लिए कुल 687 रिक्तियां जारी की गई है। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो विभिन्न पदों के लिए विभिन्न शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है। ऐसे में उम्मीदवार इस भर्ती से जुड़े जारी किए गए नोटिफिकेशन को देख शैक्षणिक योग्यता व अन्य सभी जुड़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन करने के लिए DDA.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तारीख 2 जुलाई 2023 तक निर्धारित की गई है। बीज वितरण के लिए 50 करोड़ रुपए जारी। चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य में अनियमित मानसून, बाढ़, सूखे या कम वर्षा जैसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए खरीफ में आकस्मिक फसल योजना में बीज वितरण के लिए 50 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। बता दें कि इस राशि के उपयोग को लेकर कृषि विभाग के स्तर पर दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्य में फसलों के आच्छादन का लक्ष्य बिहान ऐप के माध्यम से जिलों के स्तर पर निर्धारित किया जा रहा है। इस ऐप पर 1 से 20 मई तक 35.51 लाख हेक्टेयर में धान, 3.55 लाख हेक्टेयर में धान बिचरा, 3.35 लाख हेक्टेयर में मक्का, 1.15 लाख हेक्टेयर में दलहनी, 0.25 लाख हेक्टेयर में तिलहनी, 0.11 लाख हेक्टेयर में जूट फसल समेत कुल 43.92 लाख हेक्टेयर में खरीफ फसलों की खेती का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बिहारी बर्थडे में आज हम बात करेंगे दीपू घोष के बारे में। दीपू घोष का जन्म आज ही के दिन 1940 में हुआ था। यह भारत के पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 1960 के दशक में अपना जलवा बिखेरा था। दीपू घोष सभी 3 संभावित श्रेणियों में 7 बार के पूर्व राष्ट्रीय चैंपियन है। विशेष रूप से एकल में वह 6 बार फाइनल में पहुंचे, लेकिन 1969 में केवल 1 बार जीते। अधिकांश समय वह नंदू नाटेकर, सुरेश गोयल और दिनेश खन्ना जैसे देश के सर्वश्रेष्ठ एकल खिलाड़ियों में दूसरे स्थान पर रहे। दीपू 1973 की शुरुआत में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी खेल से सेवानिवृत्त हुए और भारत में अपने पूरे करियर के दौरान भारतीय रेलवे के साथ जारी रखते हुए कोचिंग में चले गए और केवल 1990 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली। वह 1974 में एशियाई खेलों के दौरान ईरान के राष्ट्रीय कोच थे और नई दिल्ली में 1982 के एशियाड से पहले भारतीय टीम के कोच भी थे। दीपू घोष ने 1969 में बैडमिंटन के लिए अर्जुन पुरस्कार जीता। आम महोत्सव सह प्रतियोगिता में जाने आम से जुड़ी बातें और जीते पुरस्कार। गर्मी का मौसम है, आम का सीजन है। ऐसे में बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान स्थित ज्ञान भवन में आम महोत्सव सह प्रतियोगिता 2023 का आयोजन आयोजित किया गया है। बता दें कि आयोजन बीते दिन यानी कि 16 जून से लेकर 18 जून 2023 तक आयोजित किया जा रहा है। मालूम हो कि इस महोत्सव में आम के सुने अनसुने, देखे अनदेखे किस्मों की प्रदर्शनी लगाई गई है। अगर आप इस महोत्सव में शामिल होना चाहते हैं तो आप सादर आमंत्रित है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह महोत्सव बिहार सरकार उद्यान निदेशालय कृषि विभाग द्वारा आयोजित करवाया गया है। मालूम हो कि इस महोत्सव का मुख्य आकर्षण आम के विभिन्न अनुशंसित प्रभेदों का प्रदर्शन करना, आम में नक्काशी प्रतियोगिता, आम क्रेता विक्रेता सम्मेलन, B2B सम्मेलन, 5 से 10 साल के बच्चों के लिए आम खाओ इनाम पाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा और साथ ही प्रतियोगिता में विजय होने वाले प्रतिभागी को धन राशि पुरस्कार के रूप में दी जाएगी। स्क्रैपिंग सेंटर को खोलने के लिए बढ़ी आवेदन की तिथि। बिहार की सड़कों पर 15 से 20 साल पुरानी गाड़ियां न दिखे, इसके लिए बिहार सरकार के परिवहन विभाग की ओर से राज्य के 25 जिलों में स्क्रैपिंग सेंटर खोलने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए विभाग की ओर से 19 मई तक आम लोगों से आवेदन मांगे गए थे, लेकिन अब इस तारीख को विभाग की ओर से बढ़ा दिया गया है। बता दें कि इस बात की जानकारी विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। ऐसे में वे व्यक्ति जो स्क्रैपिंग सेंटर खोलने के लिए आवेदन करना चाहते थे पर नहीं कर पाए थे, उन्हें विभाग की ओर से एक और मौका दिया गया है। मालूम हो कि अब आवेदक 11 जुलाई तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर राज्य के 25 जिलों में स्क्रैपिंग सेंटर खुल जाते हैं तो राज्य से लगभग 1.5 लाख से अधिक गाड़ियां बाहर हो जाएंगी। अपने निधन की झूठी खबर से शारदा सिन्हा हुई आहत।
एक बार फिर से शारदा सिन्हा के निधन के खबर की अफवाह उड़ा दी गई है, जिस पर शारदा सिन्हा की ओर से अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अपने फेसबुक अकाउंट पर लिखा गया है कि हर साल मेरे निधन की अफवाह फैलाई जाती है, इससे आंतरिक रूप से आहत हूं। 2020 के बाद से यह तीसरी बार हो रहा है। क्या बिहार सरकार के साइबर क्राइम की शाखा इस तरह की घटना की शिनाख्त नहीं कर सकती है? इसके साथ इन्होंने अपने इस पोस्ट के साथ साइबर क्राइम बिहार और बिहार गवर्नमेंट को भी टैग किया है। बता दें कि जब शारदा सिन्हा की मौत की खबर की अफवाह उड़ाई गई थी, तो इस बात का खंडन उनके बेटे अंशुमान के द्वारा शारदा सिन्हा के फेसबुक पेज पर लाइव आकर किया गया था। मालूम हो कि कोरोना काल के बाद यह तीसरी बार है जब शारदा सिन्हा के निधन की अफवाह फैलाई गई है। सेवा समाप्त होने पर कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर की अपील पर होगी त्वरित कार्रवाई। पथ निर्माण विभाग के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर की अपील के निस्तार के लिए एक रूपरेखा तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है, ताकि कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर की सेवा यूं ही समाप्त ना हो और वे अपील कर सके। बता दें, गठित की जा रही यह कमेटी इस बात की जानकारी देगी कि सेवा मुक्त इंजीनियरों की अपील का निस्तारण कैसे किया जाए। हालांकि इसके पहले कमेटी की ओर से तमाम पहलुओं पर विचार किया जाएगा। बता दें कि वर्तमान में अगर विभाग में कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर के सेवा का कार्य समाप्त हो जाता है, तो संबंधित इंजीनियर की अपील या फिर आगे की कार्रवाई को लेकर कोई प्रतिक्रिया तय नहीं है। विभाग की ओर से अपने मापदंडों पर इसका निष्पादन करता है, जिससे कि कई तरह की समस्याएं भी उत्पन्न होती है। ऐसे में इस कार्य में शीघ्रता और पारदर्शिता लाया जा सके, इसके लिए विभाग की ओर से यह पहल शुरू की गई है। बिहार के पर्यटन में आज हम बात करेंगे प्रेतशिला पहाड़ी के बारे में। प्रेतशिला पहाड़ी गया जिले का एक मुख्य धार्मिक स्थल है। प्रेतशिला पहाड़ी गया रेलवे स्टेशन से करीब 9 किलोमीटर दूर है। प्रेतशिला पहाड़ी के ऊपरी सिरे में आपको धर्मराज देव जी का मंदिर देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर विष्णु भगवान जी और काली माता का मंदिर देखने के लिए मिलता है। प्रेतशिला पहाड़ी के सबसे ऊपरी छोर में पहुँचने के लिए आपको यहाँ सीढ़ियाँ मिलती हैं। सीढ़ियों के द्वारा आप मंदिर तक पहुँच सकते हैं। प्रेतशिला पर्वत के नीचे आपको प्राचीन शिव मंदिर देखने के लिए मिलता है और ब्रह्म कुंड देखने के लिए मिलता है। प्रेतशिला पहाड़ी में पिंडदान किया जाता है, जिससे प्रेत योनि से उद्धार हो जाता है। यहाँ पर आप घूमने के लिए आ सकते हैं। आपको यहाँ पर ट्रैकिंग करके मजा आएगा। यह गया में घूमने लायक मुख्य जगह है। बिहार में इस दिन से बंद हो जाएगा बालू खनन। कुछ दिनों में बिहार में मॉनसून शुरू हो जाएगा और ऐसे में 1 जुलाई से राज्य में बालू खनन पर रोक लगा दी जाएगी। बता दें कि इसे पूरी तरह से लागू किया जा सके, इसके लिए पटना प्रमंडलीय आयुक्त कुमार रवि के द्वारा राज्य के 6 जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है। मालूम हो कि यह निर्णय आयुक्त के द्वारा बैठक कर ली गई है। वहीं इस बैठक में वहां मौजूद सभी अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि बालू के अवैध खनन और परिचालन पर रोक लगाने के लिए हाईटेक बोट व ड्रोन का उपयोग किया जाए। इसके साथ ही इस दौरान उन्होंने अवैध खनन के खिलाफ की गई कार्रवाई की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि अवैध खनन एवं परिचालन पर नियंत्रण पाने के लिए प्रमंडल की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए सभी जिलों के बीच समन्वय बनाने की आवश्यकता है। लंबे समय से एक ही जगह पर टिके व दागी अफसरों की बनेगी सूची। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर की अध्यक्षता में हुई बैठक में अफसरों को यह निर्देश दिया गया है कि विभाग की दागी और लंबे समय से एक ही जगह पर टिके अफसरों की सूची बनाई जाए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी निर्देश दिया है कि शारीरिक शिक्षकों की नियुक्तियों की दिशा में भी जरूरी जल्दी कदम उठाए जाए और शिक्षकों की मॉनिटरिंग के लिए पहले से बनाए गए बेस्ट ऐप को फिर से सक्रिय कर दिया जाए, ताकि रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा सके। जिन विश्वविद्यालयों और अंगीभूत कॉलेजों में अतिथि शिक्षक का अभाव है, वहां अतिथि शिक्षक की नियुक्ति की जाए और इस अभाव को खत्म किया जाए। इस दौरान उन्होंने यह भी जानकारी दी कि विभाग की ओर से खुद विश्वविद्यालयों के लिए शैक्षणिक कैलेंडर तय किए जाएंगे। नक्सल गतिविधियों को लेकर एडीजी ने किया दावा। बीते दिन पुलिस मुख्यालय में एडीजी जेएस गंगवार के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने नक्सल गतिविधियों को लेकर अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि जब से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा नक्सल आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास योजना की शुरुआत की गई है, तब से लगातार नक्सलियों के द्वारा आत्मसमर्पण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज तक कुल 100 नक्सलियों के द्वारा आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में आने का प्रयास किया गया है। वहीं इस योजना के तहत बड़े नक्सली को 5 लाख रुपए और छोटे नक्सली को 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं और इसके साथ ही भरण पोषण के लिए मासिक भत्ता के रूप में 6,000 रुपए भी दिए जाते हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2023 में कुल 4 बड़े नक्सली ने आत्मसमर्पण किया है। बिहार के कई जिलों में गर्मी का प्रकोप जारी। बिहार में मॉनसून का प्रवेश हो गया है, लेकिन अब तक राज्य के कई जिलों के लोगों को भीषण गर्मी की मार झेलनी पड़ रही है।
बिहार में दो तरह का मौसम नजर आ रहा है। एक तरफ जहां उत्तर और पूर्वी इलाकों में जहां बारिश हो रही है, वहीं दक्षिण और पश्चिमी हिस्से में भीषण गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग ने अगले दो दिन पटना समेत कई जिलों में हीट वेव के हालात बरकरार रहने की आशंका जताई है। बता दें कि IMD बिहार के अनुसार आज दक्षिण पश्चिम भाग के एक या दो स्थानों पर भीषण लू की संभावना जताई गई है। वहीं पटना, नालंदा, शेखपुरा, बांका, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, जहानाबाद, गया, भागलपुर, मुंगेर और जमुई जिलों के एक या दो स्थानों पर भी लू की संभावना जताई गई है। इसके अलावा उत्तर पूर्व और उत्तर मध्य भागों के जिलों में एक या दो स्थानों पर वज्रपात के साथ मेघ गर्जन की संभावना जताई गई है। वहीं राज्य के दक्षिण पश्चिम भाग, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा जिलों में एक या दो स्थानों पर उष्ण रात्रि रहने की संभावना है। G20 समिट पटना में सुनाई जाएगी बिहार में महिला सशक्तिकरण की कहानी। 21 और 22 जून को बिहार की राजधानी पटना में G20 समूह की बैठक होने वाली है, जिसका मुख्य एजेंडा लेबर एंगेजमेंट है। ऐसे में इस बैठक में विदेश से आने वाले मेहमानों को बिहार की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के साथ साथ राज्य में महिला सशक्तिकरण की कहानी भी बताई जाएगी, जिसमें यह बताया जाएगा कि किस तरह राज्य में जीविका की दीदियों के द्वारा किस तरह से स्वयं सहायता समूह का गठन कर महिलाओं की जिंदगी को बेहतर बनाया गया है। बता दें कि इसमें मुख्य फोकस जीविका दीदी की किसान संगठन और कंपनियों के टर्नओवर पर होगा। इसके साथ ही मेहमानों को यह भी जानकारी दी जाएगी कि आरक्षण के अंतर्गत पुलिस समेत सभी विभागों में महिलाएं किस तरह आगे बढ़ी हैं। बक्सर में लाखों की शराब पर चला बुलडोजर। बिहार में शराबबंदी है, इसे तो हम सभी वाकिफ है, लेकिन इसके बावजूद भी बीते दिन बिहार के बक्सर में लगभग 30 लाख की विदेशी शराब पर बुलडोजर चला है। बता दें कि यह काम बीते दिन उत्पाद विभाग के आग्रह पर DM अंशुल अग्रवाल के द्वारा करवाया गया है। वहीं मीडिया के हाथों में जो तस्वीर लगी है, उसमें महंगी शराब की बोतलें जमीन पर बिखरी नजर आ रही है। बता दें कि मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार बीते दिन DM अंशुल अग्रवाल की देखरेख में कुल 4,500 लीटर शराब बुलडोजर से नष्ट किए गए हैं। वहीं नष्ट किए गए शराब के आंकड़ों की बात करें तो उत्पाद विभाग के द्वारा 4,170.480 लीटर, टारी थाना द्वारा बरामद 14.580 लीटर, मुफस्सिल थाना द्वारा बरामद 275.740 लीटर, औद्योगिक थाना क्षेत्र अंतर्गत 71.337 लीटर शराब थे। फ्री आधार अपडेट की बढ़ी डेडलाइन। अगर आप भी अपने आधार कार्ड में दी गई किसी जानकारी को अपडेट करवाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। बता दें कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के द्वारा आधार कार्ड में फ्री में डिटेल्स को अपडेट करवाने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया गया है। मालूम हो कि अब आप 14 सितंबर 2023 तक अपने आधार में मौजूद किसी जानकारी को मुफ्त में अपडेट करवा सकते हैं। गौरतलब है कि आधार कार्ड में मुफ्त अपडेट के लिए https://myaadhar.uidai.gov.in पर जाकर ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप CSC अपडेट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमेशा की तरह 25 रुपए देने होंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुफ्त आधार कार्ड अपडेट करवाने की छूट आपको केवल ऑनलाइन आधार अपडेट करवाने पर ही दी जाएगी। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की 13वीं बैठक आज यानी कि 17 जून को बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुभानी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री सचिवालय के संवाद भवन में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की 13वीं बैठक आयोजित की जाएगी। बता दें कि इस बैठक में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अन्य सदस्य राज्य झारखंड, पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा के मुख्य सचिव सहित संबंधित राज्यों के अधिकारी, केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधि तथा अंतर्राज्यीय परिषद सचिवालय के सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय टीम भाग लेगी। इस बैठक का नोडल विभाग बिहार सरकार के गृह विभाग को बनाया गया है। बैठक के सफल आयोजन के लिए अंतर्राज्यीय परिषद सचिवालय सदस्य राज्यों, केंद्र सरकार के मंत्रालयों तथा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय स्थापित किया गया है। 19 जून को जीतन राम मांझी जाएंगे दिल्ली, सीएम नीतीश को लेकर किया बड़ा दावा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी 19 जून को देश की राजधानी दिल्ली जाने वाले हैं। इस दौरान उनके साथ उनके बेटे संतोष सुमन भी दिल्ली जाएंगे। ऐसे में मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि दिल्ली जाने के बाद जीतन राम मांझी की मुलाकात BJP के शीर्ष नेताओं से हो सकती है, जिसमें BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह हो सकते हैं। इसके साथ ही ऐसी भी आशंका जताई जा रही है कि इस मुलाकात के बाद जीतन राम मांझी NDA में शामिल होने का ऐलान कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले बीते दिन उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए यह दावा किया है एक बार फिर से नीतीश कुमार भाजपा के साथ सरकार बनाएंगे। वे तेजस्वी यादव को सिर्फ लॉलीपॉप दिखा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वो हम पर मुखबिरी का आरोप लगा रहे हैं, यदि उनके पास मेरे भाजपा से मिलने के सबूत है तो दिखाए उसे। रत्नेश सदा के मंत्री बनने पर उनकी मां का बयान आया सामने। बीते दिन JDU के विधायक रत्नेश सदा के द्वारा नीतीश कैबिनेट में मंत्री पद का शपथ लिया गया।
बता दें कि इस दौरान रतनी सदा अपने पूरे परिवार के साथ अपने शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे थे, जिसमें उनकी मां, पत्नी और बच्चे थे। वहीं रतनी सदा के मंत्री बनने पर उनकी मां के द्वारा कहा गया कि बेटे के मंत्री बनने से हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत उम्मीद थी कि सरकार में नीतीश बेटा है ना, हमारे बेटा को भी मंत्री बनाएंगे। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा समाज के लिए बहुत काम करेगा। बता दें कि बीते दिन शपथ ग्रहण समारोह के दौरान रतनी सदा के परिवार के बीच खुशी का माहौल बना हुआ था और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वहीं शपथ लेने से पहले रतनी सदा के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया गया था। 10 लाख नौकरी के वादे पर प्रशांत किशोर का तंज। चुनावी राजनीति रणनीतिकार प्रशांत किशोर आए दिन राजनीतिक पार्टियों पर बयानबाजी करते नजर आते रहते हैं। एक बार फिर उन्होंने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा किए गए 10 लाख नौकरी देने के वादे को याद दिलाते हुए उन पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि पहली कैबिनेट की बैठक में 10 लाख नौकरी देने का वादा करने वाले तेजस्वी यादव की कलम टूट गई या फिर स्याही सूख गई, जो अब तक उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। उनका यह बात करना बताता है कि तेजस्वी कितने बड़े अज्ञानी हैं। उन्होंने कहा कि अगर तेजस्वी यादव 10 लाख नौकरी देने का वादा करते हैं तो कैबिनेट में साइन करके कैसे दे देंगे। बिहार में उनके बाबूजी का कोई राजतंत्र थोड़ी ही है, जो कैबिनेट की पहली बैठक में एक साइन से 10 लाख लोगों को नौकरी दे देंगे। नौकरी देने के लिए सरकार की व्यवस्था होती है, पदों के सृजन के बाद बहाली होती है। माउंटेन मैन दशरथ मांझी के बेटे दामाद जेडीयू में हुए शामिल। एक तरफ जहां बीते दिन जेडीयू के विधायक रतनी सदा ने नीतीश कैबिनेट की बैठक में मंत्री पद का शपथ लिया, तो वहीं दूसरी ओर माउंटेन मैन दशरथ मांझी के बेटे भागीरथ मांझी और दामाद मिथुन मांझी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में शामिल हो गए हैं। बता दें कि इस दौरान पार्टी में उनका स्वागत करने और बधाई देने के लिए मिलन समारोह में पार्टी के वरिष्ठ नेता वशिष्ठ नारायण सिंह, मंत्री विजय चौधरी, सांजय झा, अशोक चौधरी, रतनी सदा और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा मौजूद रहे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हम पार्टी के अलग होने से अब सियासी गलियारों में ऐसा माना जा रहा है कि नीतीश कुमार मुसर समाज से दूर हो रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार ने यह बड़ा कदम उठाया है। रांची पहुंचकर बदला एमएस धोनी का लुक। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है, जिसमें वे अपने कुछ फैंस के साथ नजर आ रहे हैं। बता दें कि यह तस्वीर रांची की बताई जा रही है। बता दें कि इस तस्वीर में महेंद्र सिंह धोनी उजली दाढ़ी और रंगीन नाइट सूट में नजर आ रहे हैं, वहीं इनके बगल में तीन लोग खड़े हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब धोनी के सफेद दाढ़ी ने लोगों के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित किया हो। मालूम हो कि इस तस्वीर को एमएस धोनी के एक जबड़ा फैन के द्वारा बीते दिन यानी 16 जून को शेयर किया गया है। मालूम हो कि धोनी T20 और IPL खिताब जीतने वाले धोनी सबसे उम्रदराज कप्तान बन गए हैं। धोनी ने 41 साल 326 दिन की उम्र में IPL खिताब हासिल किया है। भारत के इतिहास में आज की तारीख है कई कारणों से दर्ज। नवाब सिराज उद्दौला ने 50,000 सैनिकों के साथ कोलकाता पर 1756 में आक्रमण किया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नायिका झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 1858 में शहीद हुई। महात्मा गांधी ने 1917 में साबरमती आश्रम के हृदय कुंज में अपना निवास बनाया। भारत के सर्वश्रेष्ठ टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस का जन्म 1973 में हुआ। हिंदी चलचित्र अभिनेत्री अमृता राव का जन्म 1981 में हुआ। प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ तथा मध्य प्रदेश राज्य के भूतपूर्व मुख्यमंत्री कैलाश नाथ कारजू का जन्म 1887 में हुआ। असम के प्रसिद्ध साहित्यकार स्वतंत्रता सेनानी तथा फिल्म निर्माता ज्योति प्रसाद अग्रवाल का जन्म 17 जून 1930 को हुआ। राजमाता जीजाबाई का निधन 17 जून 1674 में हुआ था। भारत के पहले वायसराय और कुशल राजनीतिज्ञ लॉर्ड कैनिंग का निधन 1862 में हुआ। आज के दिन को पिता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। वेलकम, आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय मधुमेह उपचार कार्यक्रम के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय मधुमेह उपचार कार्यक्रम के बारे में। दरअसल PIB ने अपने ट्वीट में लिखा है कि एक मॉर्फेड वीडियो में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया को राष्ट्रीय मधुमेह उपचार कार्यक्रम के बारे में बोलता हुआ दिखाया जा रहा है। PIB ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि स्वास्थ्य मंत्री ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है, भारत सरकार द्वारा ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं चलाया जा रहा। इंस्टाग्राम ने ग्लोबली रोल आउट किया चैनल फीचर। मेटा ने इंस्टाग्राम के लिए चैनल फीचर ग्लोबली रोल आउट कर दिया है, यानी अब कोई भी अपने फेवरेट क्रिएटर के चैनल से जुड़कर डेली अपडेट इस फीचर के जरिए हासिल कर सकता है। चैनल फीचर की मदद से क्रिएटर्स अपने सभी फॉलोवर्स को इनवाइट कर पाएंगे, साथ ही टेक्स्ट, इमेज और वीडियो अपडेट भी साझा कर पाएंगे। इतना ही नहीं, क्रिएटर्स चैनल में वॉइस नोट और फॉलोवर्स से फीडबैक प्राप्त करने के लिए पोल क्वेश्चन भी बना सकते हैं। हालांकि चैनल फीचर में पोस्टिंग केवल क्रिएटर ही कर सकता है और अन्य सभी लोग बस मैसेज को देख और पोल क्वेश्चन पर अपना रिएक्शन दर्ज कर पाएंगे। चैनल फीचर जैसे ही किसी क्रिएटर को मिलेगा तो इस पर पहला मैसेज भेजने पर क्रिएटर के फॉलोवर्स को एक
नोटिफिकेशन मिलेगा जिसके जरिए वे चैनल में ऐड हो सकते हैं। क्रिएटर के चैनल को कोई भी यूजर देख और सर्च कर सकता है, लेकिन चैनल के अंदर आने वाले मैसेज के अपडेट केवल उन्हें लोगों को मिलेंगे जिन्होंने इसे फॉलो किया होगा। फॉलोवर्स के पास ये ऑप्शन भी होगा कि वे चैनल को म्यूट या अपडेट्स के लिए सेटिंग में बदलाव कर पाएंगे। सेंसेक्स निफ्टी ने तोड़ा पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड। भारतीय शेयर बाजार बीते दिन जहां सेंसेक्स 466 अंकों की उछाल के साथ 63,384.58 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी बढ़कर 18,800 के स्तर के पार बंद हुआ। बता दें कि सेंसेक्स और निफ्टी का 1 दिसंबर 2022 के बाद का अब तक का रिकॉर्ड स्तर है। कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सूचकांक सेंसेक्स 466.95 अंक या 0.74% बढ़कर 63,384.58 अंक पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का 50 शेयरों वाला सूचकांक निफ्टी 137.90 अंक या 0.74% की तेजी के साथ 18,826 के स्तर पर बंद हुआ। इसी के साथ निवेशकों को 2.02 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। बता दें कि सेंसेक्स के जिन 5 शेयरों में सबसे अधिक तेजी रही उसमें टाइटन, ITC, कोटक महिंद्रा बैंक, बजाज फिनसर्व और HDFC बैंक रहा। वहीं जिन 4 शेयरों में सबसे अधिक गिरावट आई है उनमें विप्रो, TCS, पावर ग्रीड और टेक महिंद्रा के नाम शामिल हैं। बीते दिन हमारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्रा, सत्य प्रकाश, प्रियदर्शी, कुश कुमार यादव, सदुल्लाह पलवी, प्रयाग सिंह, बद्री कुमार, राजकिशोर महतो, विनय राज, मोहम्मद इरफान, रिंकी कुमारी, कामेश्वर, PD सिंह, तबरेज आलम, धीरेन्द्र कुमार, ऋषिदेव, मोटू रंगीला, रमन कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपने अब तक कितने प्रकार के प्रजाति के आम का स्वाद चखा है और उसमें से सबसे स्वादिष्ट आम कौन सा लगा है? उनके नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देखें तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।